लेट हो गया आज तो। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्टफोन की जिनके अंदर दोस्तों आपको 8GB की रैम देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों इन स्मार्टफोन की कीमत होगी 20,000 रुपये से कम। और दोस्तों इन स्मार्टफोन में से कुछ स्मार्टफोन आपको 5G टेक्नोलॉजी वाले भी देखने को मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही ये स्मार्टफोन 2 से 4 महीने पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुए हैं, तो लेटेस्ट फीचर्स भी आपको इन स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे। और वहीं दोस्तों 8GB रैम तो देखने को मिली रही है, तो वीडियो को जरूर देखें क्योंकि दोस्तों ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन कई मायनों में अच्छा होता है। जैसे कि अगर आप गेमिंग खेलना पसंद करते हैं तो हैवी गेमिंग आप ज़्यादा रैम वाले में ही कर पाते हैं। ज़्यादा रैम का मतलब ही है आपका स्मार्टफोन कम हैंग होता है, क्योंकि शुरू से ही जब भी कम रैम होगी स्मार्टफोन में तो हैंग होना ऑब्वियसली होता ही है। तो ज़्यादा रैम वाला स्मार्टफोन अगर आप परचेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए 8GB रैम वाले कुछ स्मार्टफोन बताने वाला हूं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है Realme 8 5G। दोस्तों इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत तो वैसे 14,000 रुपये के लगभग आपको देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन का जो 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट है उसकी कीमत है 18,499 रुपये। आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों स्मार्टफोन में कई फीचर्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो कमाल के हैं, जैसे कि इसके अंदर प्रोसेसर है मीडियाटेक का Dimensity 700, साथ ही इसके अंदर बैक पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कमाल की फोटोग्राफी करता है। उसी के साथ 6.5 इंच की कमाल की बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, और साथ ही एक 5000mAh की बड़ी बैटरी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। डिजाइन भी अच्छा है और फोन भी काफी अच्छा है, रियलमी की ब्रांडिंग से आता है। स्मार्टफोन कमाल का है, 8GB रैम सिर्फ 18,499 रुपये में देता है। और अब बढ़े दोस्तों आगे चले अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारी लिस्ट में होगा ओप्पो की तरफ से F17 Pro। दोस्तों स्मार्टफोन की भी आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की कीमत देखने को मिलेगी 17,990 रुपये, लगभग 18,000 रुपये। वहीं दोस्तों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का हेलियो P95 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों एक अच्छा और कमाल का गेमिंग प्रोसेसर है। साथ ही इसके अंदर 6.4 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देती है। बैक डिजाइन इसका काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में एक 4010mAh की बैटरी देखने को मिलती है। स्मार्टफोन काफ़ी कमाल का है, परफॉर्मेंस काफ़ी कमाल की देता है, जैसे कि इसका कैमरा बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है, फ्रंट में डुअल कैमरा सेटअप है, फोटोग्राफी में कोई कमी नहीं है। ओप्पो के स्मार्टफोन अगर इतने महंगे हैं तो आप मान लीजिए कि फोटोग्राफी वो अच्छी ही करता है, क्योंकि ओप्पो और वीवो ज्यादातर अपने कैमरा पे ही फोकस करते हैं और परफॉर्मेंस दे ना दे लेकिन कैमरा क्वालिटी आपको अच्छी दे ही देते हैं। वहीं दोस्तों चले हम अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों अब हमारा होगा इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स जेरो 8i। दोस्तों स्मार्टफोन में भी 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, कीमत लगभग 16,000 रुपये है। साथ ही इसके अंदर आपको एक 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बैक पे ट्रिपल कैमरा, फ्रंट में डुअल कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है। साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले आपको बड़ी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों 6.8 इंच की कमाल की बड़ी डिस्प्ले है। गेमिंग परफॉर्मेंस, मूवी देखना पसंद, सबके लिए एक अच्छी डिस्प्ले है। साथ ही प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर मीडियाटेक का हेलियो G90T प्रोसेसर दिया गया है, जो कि दोस्तों गेमिंग के लिए प्रोसेसर यूज करा गया है, ज्यादातर स्मार्टफोन में आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी देखने को मिलती है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं 4500mAh की बैटरी कम दी गई है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो 16,000 रुपये लगभग कीमत है, कम कीमत में 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाले स्मार्टफोन की लिस्ट में ये स्मार्टफोन काफी कम कीमत में आपको देखने को मिल जाता है। और अब चलें दोस्तों आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, जिसमें दोस्तों 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, वो होगा दोस्तों अब हमारा वीवो की तरफ से, वीवो Y51 2020। दोस्तों ये स्मार्टफोन की कीमत है लगभग आपको 18,000 रुपये कीमत देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही बैक पे ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट में सिंगल कैमरा है, फोटोग्राफी ठीक है, इतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन वीवो के स्मार्टफोन की फोटोग्राफी अच्छी होती है, लेकिन इसमें थोड़ी घटिया दी गई क्योंकि जितनी कीमत है उस हिसाब से फोटोग्राफी इतनी खास इस स्मार्टफोन की नहीं देखने को मिलती। साथ ही इसके अंदर आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रही, जैसे कि बता मैं चुका हूं। उसी के साथ दोस्तों इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 665 प्रोसेसर दिया गया है, प्रोसेसर भी थोड़ा और अच्छा हो सकता था इतनी ज्यादा कीमत में। उसी के साथ इसमें 6.5 इंच की एक Full HD+ डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, डिस्प्ले भी अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस की थोड़ी कम ही इसमें देखने को आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों यही है 8GB रैम वाले आपके लिए स्मार्टफोन, सब स्मार्टफोन में आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलती है, ये बात भी आप ध्यान रखें, कहीं 8GB रैम ही आपके दिमाग में चलती रहे। तो स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं, आपके लिए काफी अच्छे हैं अगर आप गेमिंग खेलना पसंद करते हैं, ज्यादा रैम वाले स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं इंडियन मार्केट में 20,000 से कम की रेंज वाले, तो आपके लिए यही है स्मार्टफोन जिनमें 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज और कीमत है 20,000 रुपये से भी कम, यानी कि लगभग आपको 18 से भी कम देखने को मिलती है वैसे तो, लेकिन 18 थोड़ा और लगेगा, 20,000 की कम की रेंज में बेस्ट टॉप 4 स्मार्टफोन जो 8GB रैम देते हैं आज की वीडियो में आपको देखने को मिल गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।